नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। सरकारी हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र, आज हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ते जा रही है। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं कैसे पीछे रह सकती है। प्रदेश में दो चरणों में चुनाव होने को है। पहले चरण में बस्तर के 12 सीटों पर चुनाव 12 नवंबर को होंगे। प्रशासनिक स्तर पर कसावट और तैयारियों का दौर जारी है। विधानसभा निर्वाचन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। देखिए पवन कुमार की खास रिपोर्ट। जिले के शहरी इलाकों में महिला शक्ति दिखेगी, यानी महिलाएं भी शांति एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। कोंटा विधानसभा क्षेत्र में 212 कुल मतदान केंद्र हैं और सभी अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इनमें 33 मतदान केंद्रों में इस बार महिलाओं की ड्यूटी रहेगी। इन केंद्रों में पीठासीन अधिकारी से लेकर फोर्थ कर्मचारी तक महिला रहेंगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला अधिकारी और कर्मचारियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त ट्रेनिंग दी गई है। गायत्री शर्मा ने कहा कि हम लोग उत्साहित हैं, डर तो लग रहा है, लेकिन प्रशासन पर पूरा विश्वास है और हम अच्छे से मतदान कराएंगे। सभी लोग उत्साहित हैं। से पहली बार लेडीज लोगों का कार्यक्रम ऐसा आयोजित किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्षेत्र संवेदनशील है, तो उसका डर कितना है? जी, डर तो लग रहा है सर, लेकिन ऐसा होगा नहीं लग रहा है सर। भरोसा है? पहली बार निर्वाचन कार्य में अपनी भागीदारी निभाने वाली महिलाओं में अलग उत्साह और हिम्मत देखने को मिल रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं और जिले में शांति और निष्पक्ष चुनाव कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। महिलाओं ने बताया कि पहली बार वे विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करेंगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने हर स्तर पर उन्हें प्रशिक्षित किया है। जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि जिले के लिए बेहद सुखद पहल है। माओवाद समस्या पर भी महिलाओं ने कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं है, लोकतंत्र के महापर्व में योगदान कर इतिहास रचना चाहते हैं। पहली बार मौका मिल रहा है, जब महिलाएं देश को संभाल सकती हैं तो वोटिंग बहुत आसानी और छोटी सी बात है। तो क्या है कि इस बार ऐसा सोच है महिलाओं की कि वोटिंग 100% होना ही है और कोई डर नहीं है सर। और जितने प्रशिक्षण दे रहे हैं बहुत अच्छे से दे रहे हैं और भविष्य के लिए तैयारी है अच्छे से। तो चुनाव को लेकर उत्साहित बहुत है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और जितने महिला हम चाहते हैं, जितनी महिलाएं हैं, सभी की ड्यूटी लगती है हर विभाग से। कोई शिक्षा विभाग के लिए हर विभाग के तैयार है। हम चाहते हैं कि वोट पूरा 100% से भी अधिक हो तो वो भी हो जाए। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हम लोग को मतदान कैसे कराना है और समय का हम लोग को ध्यान देना है। समय से मतलब समय के अंदर ही हम लोग को मतदान कराना है, ये सब हम लोग को बहुत अच्छे से बताया जा रहा है जी। और फिर से वही सवाल है, माओवादी इलाका है जी सर, क्या डर है? और नहीं सर, हम लोग को बिल्कुल डर नहीं है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग महिला होकर के हम लोग मतलब इस कार्य को मतलब हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं और हम एक इतिहास बनाना चाहते हैं सर कि महिलाएं भी मतलब सब कुछ कर सकती हैं और बहुत अच्छे से जो कार्य हम लोग को सौंपा गया है निर्वाचन कराने का, वो कार्य हम लोग बहुत अच्छे से सरल और निष्पक्ष और स्वच्छ हम लोग मतदान कराएंगे। डिप्टी कलेक्टर व चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी हिमांचल साहू ने बताया कि जिले के शहरी इलाकों में महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। 164 महिला कर्मचारियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त ट्रेनिंग दी गई है। 33 मतदान केंद्रों में 132 ड्यूटी लगेगी। पोलिंग बूथ में पीठासीन से फोर्थ कर्मचारी तक महिलाएं ही रहेंगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और महिलाएं भी पहली बार चुनाव ड्यूटी करने के लिए उत्साहित हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास है और हमने जो सिटीज के सुकमा, चित्तौड़, कोंटा, दुर्लभपाल और भोपाल के जो सिटी के केंद्र हैं उनमें केवल महिला पोलिंग पार्टीज को भेजा जाएगा। उस पर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, 2 और 3 सभी महिलाएं रहेंगी और उनको पूरा ट्रेनिंग देने के लिए यह द्वितीय चरण का ट्रेनिंग है। इससे पहले भी फर्स्ट राउंड का ट्रेनिंग उनको हम लोग दिए थे और इस बार के सेकेंड ट्रेनिंग में पूरा हैंड्स ऑन किया जाएगा। ईवीएम, वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में पूरा उनको बताया जाएगा। आज दिन भर का सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऑडियो विजुअल हाई टेक्निक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन है, मास्टर ट्रेनर्स भी यहाँ पर अच्छे हैं, उनका एग्जाम लेकर के उनको मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। हम सभी महिलाओं का शाम को 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले रहे हैं और उससे पहले उनको का जो बुकलेट होता है उसके बारे में पूरा जानकारी उनका
बता दिया गया है सारा ऑपरेशन कैसे करना है, मतदान प्रक्रिया कैसे होगा, वॉक पोल कैसे करना है, कंट्रोल यूनिट में क्लोज रिजल्ट क्लियर बटन कब कब दबाया जाना है, मतदाता पर्ची कौन जारी करेगा, इंडेलेबलिंग कौन लगाएगा, सारा मतदान का प्रक्रिया का बारीकी उनको दिन भर में बता रहे हैं। For more information, log on to www.clips.in.